हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से। मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है भारत में सामाजिक रूपांतरण की मुख्य प्रक्रियाएं पार्ट टू पर चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव से कुछ समय पहले तक जिन रीति रिवाजों को धर्म का अंग समझा जाता था उन्हें रूढ़ियों और कुरीतियों के रूप में देखा जाने लगा। निम्न और उच्च सभी जातियों को समानता के अधिकार मिलना पश्चिमीकरण का ही परिणाम है। डॉक्टर श्रीनिवास ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक पश्चिमीकरण का प्रभाव केवल उच्च जातियों में ही देखने को मिलता था, लेकिन आज इस प्रक्रिया के अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों तथा निम्न जातियों के सांस्कृतिक जीवन को भी बहुत अधिक प्रभावित करना आरंभ कर दिया। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का व्यवहार के किसी भी ऐसे ढंग को स्वीकार करने की प्रेरणा नहीं देती है जिसकी उपयोगिता को तर्क के द्वारा ना समझा जा सके। पश्चिमीकरण के प्रभाव से जिस नई शिक्षा व्यवस्था की स्थापना हुई उसके द्वारा जाति, धर्म और लिंग पर आधारित असमानता का विरोध किया जाने लगा। इसी जागरूकता के परिणाम स्वरूप अनेक समूहों ने जाति व्यवस्था से संबंधित असमानताओं का विरोध करके इस्लाम अथवा ईसाई धर्म को भी ग्रहण कर लिया। यह सच है कि गांवों की अपेक्षा नगरों में पश्चिमीकरण का प्रभाव अधिक है, लेकिन हमारा ग्रामीण जीवन भी इससे अछूता नहीं है। वास्तविकता यह है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं, मनोवृत्तियों और जीवन शैली में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती हैं, लेकिन इसके द्वारा भारत की सामाजिक संरचना से संबंधित धनी और निर्धन अथवा शक्तिशाली और कमजोर वर्गों के विभेदों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। आधुनिकीकरण लर्नर का कथन है कि भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए पश्चिमीकरण की प्रमुख अपेक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। आधुनिकीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्यतः नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव से उत्पन्न होती है और समाज में परंपरागत विशेषताओं की जगह नए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न करती है। साधारणतः आधुनिकीकरण का तात्पर्य फैशन या नई जीवन प्रणाली से दिया जाता है। ऐसी धारणा बहुत गलत है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को परंपरा की तुलना में समझा जा सकता है। साधारण शब्दों में जब प्रौद्योगिकी और नई आर्थिक दशाओं के प्रभाव से परंपराओं का रूप बदलने लगता है तब इस दशा को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि होना, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में विकास होना, धर्म निरपेक्षता बढ़ना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि होना, प्रौद्योगिक विकास होना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, शिक्षा का प्रसार होना तथा व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा नई परिस्थिति प्राप्त करना आधुनिकीकरण से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ हैं। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया ने भारतीय समाज के सभी पक्षों को समान रूप से प्रभावित नहीं किया। एक ओर गांवों की तुलना में नगरीय समुदाय में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है तो दूसरी ओर निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों पर इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जहां तक आधुनिकीकरण उत्पन्न करने वाले कारकों का प्रश्न है, हमारे समाज में पंचवर्षीय योजनाएँ, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, नई प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक शिक्षा, समताकारी सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आंदोलन आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाली मुख्य दशाएं हैं।
आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कृषि में नई प्रविधियों का उपयोग किया जाने लगा तथा ग्रामीण जीवन में भी टेलीविजन, स्कूटर तथा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रचलन बढ़ने लगा। नई टेक्नोलॉजी पर आधारित घरेलू उपयोग के उपकरणों से स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था आधुनिकीकरण का ही एक विशेष रूप है। आधुनिकीकरण ने जिस नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया है उससे हमारी मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन होने लगे हैं। इस तरह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में आज सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं उनका एक बड़ा भाग आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पश्चिमीकरण से इस अर्थ में भिन्न है कि पश्चिमीकरण अनेक पश्चिमी देशों और विशेषकर अंग्रेजों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, जबकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वयं हमारे समाज में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी, क्षमताकारी मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता का परिणाम है। लौकिकीकरण भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में होने वाले एक अन्य परिवर्तन को प्रोफेसर श्रीनिवास ने लौकिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता तथा लौकिकीकरण एक दूसरे से भिन्न दशाएं हैं। धर्मनिरपेक्षता एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका अर्थ राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार करना। दूसरी ओर लौकिकीकरण शब्द लौकिक से बना है जिसका अर्थ है कि सांसारिक। इसका तात्पर्य है कि जब हम धार्मिक क्रियाओं को लौकिक तथा सांसारिक आधार पर देखने लगते हैं तथा तार्किक आधार पर उनकी व्याख्या करने लगते हैं तब इस प्रक्रिया को लौकिकीकरण कहा जाता है। लौकिकीकरण का दूसरा अर्थ यह है कि जिन प्रक्रियाओं अथवा व्यवहारों को पहले हम धार्मिक मानते थे उन्हें अब धार्मिक नहीं माना जाता। इस प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व बुद्धिवाद है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो तर्कहीन बातों को अस्वीकार करती है। स्पष्ट है कि श्रीनिवास के अनुसार लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जो अंधविश्वासों की जगह तार्किक व्यवहारों को प्रधानता देती है, प्रत्येक धार्मिक व्यवहार को नए अर्थ देती है तथा बदलते हुए समय के अनुसार नए सामाजिक मूल्यों को स्वीकार करती है। श्रीनिवास ने भारतीय समाज और संस्कृति पर लौकिकीकरण के प्रभाव को 5 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। 1, पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों का प्रभाव। 2, जीवन चक्र के कर्मकांडों पर प्रभाव। 3, पुरोहित ब्राह्मणों के विचारों और व्यवसायों पर प्रभाव। 4, जाति, ग्रामीण समुदाय और संयुक्त परिवार की संरचना पर प्रभाव। 5, हिंदू धर्म की परंपरागत धार्मिक मान्यताओं पर प्रभाव। इससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को श्रीनिवास ने अनेक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। शाब्दिक रूप से पवित्रता का तात्पर्य स्वच्छता, पुण्य कार्यों तथा सद्व्यवहारों से है, जबकि अपवित्रता का संबंध अस्वच्छता, कलंक अथवा पाप से माना जाता है। पवित्रता और अपवित्रता संबंधी परंपरागत विचारों और व्यवहारों में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जिन अस्पर्श जातियों को अपवित्र समझा जाता है उन्हें आज मानवतावाद के आधार पर विशेष सुविधाएं दी जाने लगी हैं। किसी गंदे लेकिन पवित्र समझे जाने वाले तालाब या कुंड में स्नान करना लोग एक पवित्र व्यवहार नहीं मानते। संक्षेप में पवित्रता का संबंध आज स्वास्थ्य के नियमों से है, कुछ विशेष धार्मिक विश्वासों से नहीं। इसी तरह जिन कर्मकांडों को कुछ समय पहले तक आवश्यक माना जाता था उनकी शिक्षा देना अब आवश्यक नहीं माना जाता। जो तीर्थ यात्राएं पुण्य और स्वर्ग प्राप्ति से संबंधित मानी जाती थी उनका संबंध दर्शनीय स्थानों की यात्रा करना से होता जा रहा है। ब्राह्मण पुरोहितों की प्रतिष्ठा पर संबंध धर्म से नहीं माना जाता। इसी कारण समाज में उन व्यक्तियों की परास्थिति बहुत ऊंची हो गई है जो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या प्रशासक के रूप में काम करते हैं। निम्न जातियों से संपर्क स्थापित करना आज धर्म विरुद्ध नहीं समझा जाता है। गाँव में स्थानीय विश्वासों प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है। आज के केंद्र
परिवार में स्त्रियों और युवकों को प्राप्त होने वाले अधिकारों भी लौकिकीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। हिंदू धर्म की परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को इस प्रक्रिया ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान की तुलना में निराश्रितों, अपंगों तथा अनाथों की सहायता करना अधिक अच्छा समझा जाने लगा है। विधवा पुनर्विवाह को एक अधार्मिक कृत्य नहीं मान जाता है। सती प्रथा को एक क्रूर और अमानवीय व्यवहार के रूप में देखा जाता है तथा धार्मिक अंधविश्वासों का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है। यह सभी ऐसे परिवर्तन हैं जिन्होंने भारतीय समाज का रूपांतरण करने में योगदान किया है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।